वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक पार्ट वन में से चैप्टर सेकंड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से फॉर्मूला मेथड से किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। इस इक्वेशन को हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन हमारे सामने है उसमें ए बी और सी ये तीन वैल्यू निकालनी है। ओके, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन को हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। वह कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर के बाजू में ए है तो ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 1 है, कुछ नहीं बोले तो 1। बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के बाजू में बी है तो यहाँ एक्स के बाजू में इधर बी है तो यहाँ एक्स के बाजू में 10 है, बोले तो बी की वैल्यू 10 और 24 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू 24। सो इस प्रकार से ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 10 और सी इज इक्वल टू 24 ये वैल्यू आ सकते हैं। तो ये वैल्यू निकालने के बाद हमें हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है उस फार्मूला को हम लिख सकते हैं। अभी इस फार्मूले के में बी के जगह पे क्या लिखेंगे हम, 10। ओके, सो बी स्क्वायर बोले तो बी के जगह पे 10 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1 है तो इधर 1 लिखेंगे, इंटू सी की वैल्यू 24 बोले तो यहाँ 24 और 2 इंटू ए बोले तो 2 इंटू 1 लिखेंगे इस तरह से। ओके, तो देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी के जगह पे लिखा 10 बोले तो माइनस 10 प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर के जगह पे 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आई 1 यहाँ से और सी की वैल्यू जो है यहाँ 24 दी है तो सी के जगह पे 24 लिखा और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जो वैल्यू है हमारे पास 1 है तो 2 इंटू 1 लिखा। अभी क्या होगा, माइनस 10 जैसा है वैसा प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 और 24 इंटू 1 4 और फिर से 4 इंटू 24 96 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 हमारे पास आएगा। देखिए इस तरह से ये माइनस 10 अपनी जगह पे, 10 का स्क्वायर 100, 4 इंटू 1 इंटू 24 96 और 2 इंटू 1 2। अभी बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ओनली 100 में से 96 के आने के बाद 4 रहते हैं तो वो 4 आएगा। ओके, माइनस 10 अपनी जगह पे, प्लस माइनस अपनी जगह पे, रूट अपनी जगह पे और रूट के अंदर 100 माइनस 96 4 अपनी जगह पे। ओके, 4 आया और डिवाइडेड बाय 2। अभी रूट 4 बोले तो क्या रहता है, 2 रहता है तो रूट 4 के जगह पे 2 लिखेंगे, बाकी सब जैसा है वैसा। x अपनी जगह पे इक्वल टू अपनी जगह पे, माइनस 10 अपनी जगह पे, प्लस माइनस अपनी जगह पे और रूट 4 के जगह पे 2 और ये नीचे वाला 2। ओके, अभी दो आंसर आएंगे, यहाँ प्लस माइनस है ना तो एक जगह पे क्या, एक जगह पे क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2 अपॉन 2 होगा और दूसरी जगह पे x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 2 होगा। ओके, एक जगह पे प्लस 2, एक जगह पे माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे। ओके, अभी प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 माइनस 2 माइनस 8 हो गया। ओके, माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 अपॉन 2 और दूसरा जो है माइनस माइनस प्लस, माइनस 10 माइनस 2 बोले तो माइनस 12 अपॉन 2 किया। ओके, तो 2 4 जा 8 बोले तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया माइनस 4 और एक्स इज इक्वल टू 2 6 जा 12 बोले तो 6 आया, माइनस है इसलिए माइनस। तो इस तरीके से फार्मूला मेथड से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।